नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के चंदन नगर थाना पुलिस बस ड्राइवर से रुपए लूट मामले में नया खुलासा। दोनों पुलिसकर्मियों के साथ दो अन्य, जफर और उसका साथी भी था। पुलिसकर्मियों के फरार साथी को मंगलवार को किया गिरफ्तार। आरोपी ने लूट के रुपए से मिले हिस्से से एक कार खरीद ली थी। पुलिस ने कार भी जब्त की है। पिछले दिनों एक व्यापारी ने पंजाब ट्रेवल्स के बस ड्राइवर को एक बॉक्स में 14 लाख रुपए रखकर अहमदाबाद पहुंचाने के लिए दिए थे, लेकिन रास्ते में ही चंदन नगर थाने के दो जवानों दीपक और योगेश ने अपने तीन बाहरी साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर से रुपयों से भरा बॉक्स छीन लिया था। पुलिस ने बस ड्राइवर की निशानदेही पर दोनों पुलिस जवानों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनके साथी फरार हो गए थे। मंगलवार को पुलिस ने एक साथी जफर पठान को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने बताया कि आरोपी पुलिस जवानों को बॉक्स में रुपए होने की जानकारी देने वाला समीर फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने लूटी गई राशि जब्त कर ली है। दूसरा आरोपी जफर पठान नाम का आरोपी है, जो कल रात में गिरफ्तार हुआ है और उसमें लूट में जो उसको हिस्सा मिला था, उस हिस्से का 1,30,000 रुपए नगद तथा उसने एक स्विफ्ट कार खरीद ली थी उस पैसे से, वो स्विफ्ट कार भी जब्त हुई है। आरोपी को आज पेश किया गया था और 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड दिया गया है। सर, कब की घटना थी और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया था? पहले कितने आरोपी थे, क्या नाम है इनका और कौन है? ये घटना है 23 मार्च की रात की, पंजाब ट्रेवल्स की बस में दो आरक्षक जो इसी थाने में तैनात थे, एक प्राइवेट आदमी जिसका नाम है जफर मंसूरी, उसके साथ मिलके एक 14 लाख रुपयों का बंडल बस से छीन के चले गए थे और उसमें कुछ और लोग थे बैकग्राउंड में, जिन्होंने आपस में पैसे का बंटवारा कर लिया था। उस मामले में सबसे पहले दो आरक्षकों की गिरफ्तारी हुई थी, तीसरा आरोपी जफर कल पकड़ा गया है। सर, किस तरीके की इसकी भूमिका थी जफर की, जिस तरीके से उन्होंने पूरा षड्यंत्र बनाया था? जफर उन आरक्षकों के साथ बस में चढ़ा था और पैसे लेकर भागने में इनके साथ था। सर, जफर ने कहां कहां फरारी काटी और कितना अमाउंट अभी तक की मसरूका इनसे जब्त हुई है? जफर ने अजमेर में फरारी काटी थी और इनके पास से टोटल अभी तक 4,90,000 रुपए नगद और 2,90,000 की स्विफ्ट कार जब्त हो चुकी है। तो जफर के पास कितना अमाउंट आया था केस से? जफर के कहना है कि उसके पास में उसे 3,10,000 रुपए बंटवारे में मिले थे। सर, आरक्षकों ने कितने कितने रुपए बांटे थे, कुछ इस तरीके की जानकारी? आरक्षकों ने बताया कि उन्हें हिस्से में 2,30,000 एक को और दूसरे को भी 2,30,000 रुपए मिले थे। सर, कितने टोटल इसमें आरोपी हैं अभी तक और भी कोई नहीं? अभी तक 4 लोगों का नाम खुला है, उसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथे आदमी के पकड़े जाने के बाद 2 आरोपी और शामिल होने की बात पता चली। तो चौथा आरोपी कौन है, क्या नाम है इनके? चौथा आरोपी समीर मंसूरी है। किस तरीके से सर इन्होंने? सर, ये जो जफर है ये भी पुलिस की भूमिका के साथ उसके हिसाब नहीं से क्या? नहीं, जफर सामान्य कपड़े पहने हुए था, मुंह में मास्क लगाए हुए था। सर, ये आरक्षकों का क्या मित्रता के जफर है इनसे, क्या जान पहचान थी जो इन्होंने इतना बड़ा जो खेल करा? हाँ, आरक्षकों से फील्ड में काम करते वक्त इनकी ज्यादा जान पहचान समीर मंसूरी से थी। सर, क्या करता है ये जफर? समीर मंसूरी जफर जफर क्या करता है? सर, जफर का क्या बैकग्राउंड है, कोई अपराधिक रिकॉर्ड है? जफर कहीं काम करता था उसका। सर, समीर के लिए क्या टीम गठित करी है? समीर को धरपकड़ के लिए उसमें 4 कर्मचारी तैनात हैं, वो लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। षड्यंत्र किस प्रकार से रचा गया था, कौन मुख्य था जिसने पूरी प्लानिंग करी थी? इनको इनके किसी आदमी द्वारा सूचना दी गई थी कि इस बस में हवाला का पैसा जाता है और हवाला का पैसा जो है उसकी चोरी से भेजा जाता है और इसलिए इन लोगों ने ये योजना बनाई थी कि हवाला का पैसा अगर छीन लेंगे तो ये लोग पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे और वो धन उनका हो जाएगा। सर, पहले भी किसी इस तरह की कोई सी घटना को अंजाम दिया या आरक्षक और इन सब ने मिलकर? पहले तो इस तरह की कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं हुई। जफर का कोई बैकग्राउंड अपराधी?
जफर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।